बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू नाइन्थ जनरल साइंस क्लास। होपफुली बेटा आप सब क्लियर से होंगे। नाइन्थ जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर है 5 हमारे पास प्रोटेक्शन प्रिवेंशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज के हवाले से। इसमें बेटा हमने जो बहुत सारी डिजीज हैं उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। पेज नंबर है बेटा आपकी बुक का 64, पेज नंबर 64। और जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स। बेटा देखो, हमने अभी तक चैप्टर टुडे में देखा है कि हमारे एनवायरनमेंट में, वाटर में, फूड में, एयर में, हर जगह पे जो जरासीम हैं, जो जर्म्स हैं, जो बीमारियां पास करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम किस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हैं, इनसे किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कि किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेजर को यूज करते हुए इनको काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली चीज जो है वो ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट भी बनते हैं जो साथ साथ जो आपको मैं बताता जाऊंगा। तो टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी है, 2-3 दिन में इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप लोग जो है इसे अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। तो जो जरासीम है बेटा मैंने आपको बता दिया, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, कपड़ों में, सॉइल में, पानी में, हवा में, फूड में। तो किस तरह से हम इसे बच सकते हैं, जो पहली स्ट्रेटेजी है हमारे पास बेटा वो है स्टरलाइजेशन। अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज स्टरलाइजेशन। इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका ब्रीफली बता दूं कि ये होता क्या है बेटा। स्टरलाइजेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें जो आपके पास वाटर, जूसेस, फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं बेटा, उनको एक खास टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, एक खास टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। उस खास टेम्परेचर की वजह से जितने भी जरासीम होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर काफ़ी अर्सा के लिए हम उस फूड को, उन जूसेस को, उन फ्रूट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू किल द जर्म्स। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मिल्क, जूसेस एंड अदर फ्रूट आइटम्स आर हीटेड फॉर 1 to 2 seconds, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर किलिंग जर्म्स, ठीक है। जरासीम को मारने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अब होता क्या है जी, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मिल्क, जूसेस, फ्रूट्स आर हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 148.9 degrees centigrade। ये बात आपने याद रखनी है कि कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, 148.9 degrees centigrade, कितनी देर के लिए, फॉर 1 to 2 seconds, 1 to 2 seconds के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी चीजें हैं इनको एक खास टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, दिस प्रोसेस किल्स नॉट ओनली जर्म्स, ठीक है। दिस प्रोसेस किल नॉट ओनली जर्म्स बट
resistant spores also. बेटा देखो ये इतना यूजफुल मेथड है कि इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम जो जरासीम है उनको ही नहीं मारते, बल्कि कुछ हमारे पास जरासीम ऐसे भी हैं जो स्पोर्स बना लेते हैं, ठीक है, जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिनको आसानी से नहीं मारा जा सकता, तो उनको भी हम इसी मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ठीक हो गया। चले अब बेटा देखो, वंस स्टरिलाइज द फूड आइटम कैन बी केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर मेनी डेज। एक दफा अगर हम स्टरिलाइजेशन कर लेंगे, वंस स्टरिलाइज these products can be used or stored for many days. इनको हम क्या कर सकते हैं, फिर बहुत लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सिंपली क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो मिल्क है, फूड है, जूसिन है, उनको 1 से 2 सेकंड के लिए 148.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, जिसके नतीजे में जो जर्म्स वगैरह हैं वो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और हम जो फूड है उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो बेटा आपके पास, कंट्रोल ऑन डिजीज ट्रांसमिटिंग एनिमल्स। ये तो था पहला मेथड कि किस तरह से हम जरासीम से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है आपके पास वो है कि जो वो एनिमल्स जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, हम उनको कंट्रोल करें। कंट्रोल ऑन डिजीज ट्रांसमिटिंग एनिमल्स। सेकेंड वन इज कंट्रोल ऑन डिजीज ट्रांसमिटिंग एनिमल्स, कि वो एनिमल्स जो बीमारियां फैलाते हैं, जो ये बीमारी को फैलाने का बायस करते हैं, हम उन जरासीम उन एनिमल्स को भी क्या करें, कंट्रोल करें। ठीक हो गया। चले द मॉस्किटोज एंड स्क्विड स्प्रेड द डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स। बेटा दो मेन चीजें हैं, एक तो है आपके पास मॉस्किटोज एंड स्क्विड भी बेटा आपके पास इंसेक्ट्स की एक टाइप है, ठीक है, तो मॉस्किटोज और जो स्क्विड्स है ना वो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो इसमें क्या करें हम, इन्हीं जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको क्या करें, कंट्रोल कर लें, ठीक है, ताकि ये बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह ना फैला सकें। द स्क्विड्स एंड मॉस्किटो स्प्रेड द डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स टू मैन बाय किलिंग मॉस्किटोज एंड स्क्विड्स वी कैन कंट्रोल मलेरिया। बाय किलिंग मॉस्किटोज एंड स्क्विड्स हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं जी, वी कैन कंट्रोल मलेरिया, क्योंकि मलेरिया आपको पता है किस वजह से फैलता है, मच्छरों की वजह से, और इसके अलावा जो दूसरी डिजीज है यहां पे वो है बिलहेरिसिया, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग दी फ्लीस, बाय कंट्रोलिंग दी मॉस्किटोस एंड स्क्विड्स। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करें जी हम इनको, हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग दी इंसेक्टिसाइड्स, बाय स्प्रेइंग दी इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं, हम उन अद्वियात का स्प्रे कर सकते हैं इसके लिए बाय इन फ्लीज वगैरह को मारने के लिए। ठीक है, इसी तरह से बेटा क्या कौन सी जो इंसेक्टिसाइड्स DDT, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंसेक्टिसाइड का एक नाम है, टाइप है DDT, उनको हम यूज कर सकते हैं। फिर अब उस बीमारी देखो कुत्तों से रैबिस फैलता है, ठीक है, बाय किलिंग दी रैबिट डॉग्स वी कैन कंट्रोल दी रैबिट्स, बाय किलिंग
rabbit dogs. We can kill the rabbits. हम रैबीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो कुत्ते जिनमें रैबीज हो उनको खत्म करके, ताकि ना वो कुत्ता काटे किसी को और ना ही उससे आगे जो बीमारी है वो कॉज हो। ठीक है बच्चों, आज हमें सिर्फ यही दो पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? पहला देखा है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हमने क्या कहा है, एक खास टेम्परेचर पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाते हैं। इसी तरह हमने जो मिल्क वगैरह या फ्रूट वगैरह है उसको जब एक खास टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, उसमें जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो बीमारी कॉज नहीं कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमने देखा है कि जो डिजीज ट्रांसमिटिंग एनिमल्स हैं, मॉस्किटोज, फ्ली, स्क्विड्स, डॉग, कैट, इन सबको हम मार के कंट्रोल करके भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अच्छे से प्रिपेयर करें।